तो शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के पहले पिछले क्लास में हम लोग बेसिक बात पढ़ चुके थे, जैसे बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। आपको पता होगा बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस सब बातों से बात पता कर लिए थे। तो आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, मान लें कि एक चार्ज यहां पर क्या आई Q1 प्लस Q1 और एक चार्ज और है प्लस Q2। इस Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है अभी R1 है। कितना है R1? एक चार्ज प्लस Q1 है और एक चार्ज प्लस Q2, इसके बीच डिस्टेंस कितना है R1। हाँ, थोड़ा नजदीक मान लेते हैं किस Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस कितना है R1। तो ये Q1 क्या करे Q2 को रिपेल करेगा। Q1 क्या करे Q2 को रिपेल करेगा। हाँ, इससे रिपेल करेंगे, रिपेल करते जाएंगे, रिपेल करते जाएंगे, Q2 दूर जाते जाएंगे। मान लें किसी समय Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया R2। कितना हो गया R2। R2 हो गया। दो चार्ज Q1 और Q2 थे, इसके बीच का डिस्टेंस R1 था। धीरे धीरे Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे रिपल्सर के कारण बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे R1 से कहाँ चला गया R2 पर। तो हम यह जानना चाहते हैं कि Q2 को इस पोजीशन तक जब ले जाया गया या चार्ज के द्वारा जब इसे धक्का दिया गया, जब यहाँ से वहाँ गया तो कितना बर्गडन हुआ, कितना बर्डन हुआ, माने बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमें जानने का कोशिश करेंगे कि बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। अच्छा, सवाल तो ये पहले कि बर्डन निकालना है, तो सबसे पहले सवाल यह खड़ा होता है कि बर्डन निकालने के लिए पहले देखना होता है कि फोर्स कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है। तो अभी खुद सोच रहे हैं Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R1 है, जैसे जैसे Q1 Q2 को रिपेल करता जाएगा कि डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा। yes, sir. तो फोर्स तो वेरिएबल है। yes, sir. F = K Q1 Q2 / R2। R का मान क्या हो रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो फोर्स का मान क्या होगा, घट रहा होगा। फोर्स का मान घट रहा होगा, मतलब घटे या बढ़े खैर बात का बात है, मैंने फोर्स वेरिएबल है। फोर्स क्या है, वेरिएबल है। जब फोर्स वेरिएबल है तो W बराबर FR cos थीटा लगाना ठीक नहीं है। F.dr का एंटी, हाँ, चूंकि यह बात तो क्लियर है कि फोर्स वेरिएबल है, इसलिए हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, W बराबर F.dr या FDR cos थीटा का एंटी। हाँ, हम लगाने जा रहे हैं अब W = F.dr काइंटी R1 से लेकर के R2 तक। F.dr काइंटी से R1 से लेकर के R2 तक। तो ये F क्या है, F क्या है, फंक्शन ऑफ R, फंक्शन ऑफ R। हाँ, F.dr माने फोर्स का इंटीग्रेशन होने जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू R, इसका मतलब F इज ए फंक्शन ऑफ R। इसको और थोड़ा बारीकी से समझिए तो आप यहाँ समझिए, क्या पैसा मान लें कि किसी खास समय ये प्लस Q1 और प्लस Q2 के बीच का डिस्टेंस कभी तो R रहा होगा। yes, जिस समय डिस्टेंस R रहा होगा, Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा होगा K mod Q1 mod Q2 by R2। सही है। थोड़ा देर के लिए मान लें कि फोर्स क्या है, कॉन्स्टेंट। हाँ, इंटीग्रेशन वाले सवाल से ही सॉल्व करते हैं हम लोग। yes, कि थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट। इसके मॉड Q1 मॉड Q2 / R2 को थोड़ा देर के लिए क्या मान लो, कॉन्स्टेंट। इतना देर के लिए जितना देर में अब प्लस Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है अब बढ़ के हो गया है R + dr।
तो दो चार्ज Q1 और Q2 का डिस्टेंस, ये जो आपका डिस्टेंस कितना था R, अब कितना हो गया है तो R से R प्लस dr हुआ, मतलब कितना डिस्टेंस हुआ dr। तो हम अभी निकालने जा रहे हैं यह बात कांस्टेंट मान करके इस फोर्स को, क्योंकि Q1 Q2 / r² थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट है जब तक कि चार्ज Q2 थोड़ा सा और ना आगे बढ़ जाए, कितना dr। तो इस dr बढ़ने के दौरान कितना वर्कडन हुआ, कितना वर्कडन हुआ, थोड़ा देर के फोर्स क्या मान लो कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आने में, माने r से r + dr तक जाने में एक छोटा सा स्मॉल वर्कडन करना पड़ा होगा, k mod q1 mod q2 / r² dr cos 0 डिग्री। फोर्स तो उधर ही लगे, चार्ज उधर ही गया, तो इधर फोर्स का डायरेक्शन उधर डिस्प्लेसमेंट है, तो cos 0 डिग्री। ये स्मॉल वर्कडन निकला है Q2 को R से R प्लस dr तक ले जाने में, सही है? Yes, sir. तो टोटल वर्कडन निकालने के लिए क्या इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा R1 से लेके R2 तक? Yes, sir. तो ये काम तो हम लोग कर रहे हैं, R1 से कहां तक? R2 तक। तो हम कर देते हैं, आप समझ ही हुए कि F क्या लिखाएगा, K mod Q1 mod Q2 / R square dr cos 0 degree का इंटीग्रेशन R1 से लेकर के हो रहा सब बर्डन बाई कंजर बेटी फोर्स, चार्ज के बीच फोर्स लग रहे हैं, है कि नहीं? कूलम फोर्स हो रहे हैं ना? हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, तो सब बर्डन बाई कंजर वीटी, तो बर्डन बाई कंजर वीटी इज इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर चले आएंगे, मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाहर चले आएंगे, और वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई आर हो जाएगा, और ये आर वन से कहाँ चला जाएगा? सही है? तो बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू, और एक बार R का वैल्यू R2 रखा जाएगा, और फिर एक बार R का वैल्यू R1 रखा जाएगा, और फिर बीच में एक नेगेटिव साइन। तो हो गया वर्डन माई कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इज इक्वल टू के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू इंटू, इसे पहले लिखो तो वन बाई आर वन पहले लिखाएगा, वन बाई आर टू बोलो, तो इसको तोड़ देते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर वन स्क्वायर माइनस के मॉड क्यू वन मॉड बाई आर टू स्क्वायर, सही है? Yes, sir. अब आप कंपेयर करें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कौन हो गया आपका, ये वाला हो गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन हो गया आपका, ये वाला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. इससे क्या समझ रहे हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर वन का स्क्वायर, नहीं? Yes, कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय का एनर्जी है जब दो चार्ज क्यू वन और क्यू टू के बीच का डिस्टेंस कितना रहा होगा आर वन, सही है? Yes, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर टू का स्क्वायर, उस समय का बात है जब क्यू वन और क्यू टू के बीच का डिस्टेंस कितना रहा होगा आर टू। मतलब इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर इसके बीच का डिस्टेंस आर होता तो एनर्जी बराबर होता के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर, कहीं गड़बड़ कर देखिए ओ स्क्वायर में, चलो ठीक अब ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस अगर कितना हो R, तो एनर्जी होना चाहिए था K Q1 Q2 / R, बोल। मतलब इससे ही तो निष्कर्ष साफ निकला कि अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तब इनका पोटेंशियल एनर्जी होगा K mod Q1 mod Q2 / R, सही कि नहीं? के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर। तो ध्यान समझना, पहले बात फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या ये दोनों प्लस थे? Yes, yes, sir. ऐसे दोनों में रिपल्शन हुआ था? Yes, sir. क्या ये दोनों प्लस, ऐसे दोनों में रिपल्शन हुआ है? Yes, sir. अगर ये दोनों माइनस भी होते तो क्या फिर भी यही कहानी होता? Yes, sir. अगर ये दोनों माइनस भी होते क्या फिर भी यही कहानी होता? Yes, sir. हाँ, रिपल्शन नहीं होते, फोर्स वही लगते के मॉड के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर स्क्वायर, कहानी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब ये बात साफ है कि जब दो चार्जों के बीच रिपल्सन होंगे तब यह एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है
के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर, आर न सिर्फ के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर लाना है। समझा कि नहीं? जब रिपल्सन वाले प्रो मतलब होंगे, जैसे प्लस प्लस चार्ज है माइनस माइनस चार्ज है, तब एनर्जी होगा के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर। अब आप सोचिए कि यदि चार्ज क्या होता, निगेटिव होता, मतलब एक प्लस क्यू वन होता और एक या तो ही माइनस होता, तो ही क्या होता प्लस। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो आर, कितना हो आर, एक चार्ज प्लस हो एक चार्ज क्या हो माइनस, तब तो इनके बीच अट्रैक्शन होता। ध्यान सुनना, तब तो इनके बीच अट्रैक्शन होता। तो क्या ये फोर्स इस तरफ लगते नहीं, क्या ये फोर्स इस तरफ लगते? समझ आ रहा है कि नहीं? जब एक प्लस होते और एक क्या होते माइनस, तो इनके बीच में क्या होता अट्रैक्शन। अगर ये अट्रैक्शन होता क्या फोर्स इस तरफ लगते नहीं, क्या फोर्स अंदर लगते? तो क्या ये कॉस जीरो होता, ये कॉस 180 होता? 180 होता बोल। तब कॉस जीरो होता, कॉस 180 होता? 180 होता। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक चार्ज प्लस होते और एक चार्ज क्या होते माइनस होते, और हम इस Q2 को इधर ले जाते हैं अगर, तो cos 0 होता cos 180 होता? cos 180 होता। फोर्स अंदर की ओर लगते और हम चार्ज को इधर लेके जा रहे होते, लेकिन कूलम फोर्स अंदर लगता, तो कितना होता cos 180। अब सोचिए सिर्फ अगर ये cos 180 होता, cos 180, तो क्या साइड में एक माइनस आता? साइड में एक माइनस आता, फिर यहाँ भी माइनस आते, फिर यहाँ भी माइनस, फिर यहाँ भी माइनस। हाँ, ध्यान समझा जाना, फिर माइनस। जब ये दोनों माइनस आता, जब यहाँ माइनस लग गए, तो क्या हो जाता है माइनस, और ये क्या हो जाता प्लस। समझा कि नहीं? हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएंगे प्लस। अगर ये माइनस होंगे और ये क्या होंगे प्लस। ध्यान सुनना, ये क्या है माइनस और क्या हो जाएंगे प्लस। डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं हम, देख कि तब क्या होता कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लिया क्यू वन था और कितना था क्यू टू, बीच का डिस्टेंस मान लो भी शुरू में कितना था आर वन, वही बात सोच। ऐसे हम कहाँ तक ले जाते आर टू तक, कहाँ तक ले जाते आर टू तक। तो होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर वन, और प्लस क्या होता प्लस, क्या इसको ऐसे माइनस 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 के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर टू बोल। यस सर। अब तू फिर से कंपेयर कर तो तू पाएगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर वन, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर टू। इसका मतलब अगर डिस्टेंस आर होंगे तो फिर आर लिखाएंगे। यस सर। सही कि नहीं? यस सर। इसका मतलब है कि अगर ये डिस्टेंस कितने होंगे आर होंगे तो क्या लिखाएंगे आर लिखाएंगे आर लिखा जाएंगे। यस सर। मतलब यहीं पर थोड़ा सा हिंट कर देते हैं सिर्फ, बस कि एक चार्ज अगर प्लस क्यू वन है और एक माइनस क्यू टू है, या तो ई माइनस है और ई प्लस है, मैंने अट्रैक्शन जैसे हैं, और इनके डिस्टेंस कितने हैं, तब एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा माइनस के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर होगा। समझ आया? ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ ही फार्मूला याद करना है, अभी एनर्जी का फार्मूला याद करना है। इनके प्रूफ पर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है अभी, मतलब ट्वेल्थ में ऐसा कभी इसका नहीं कि प्रूफ आता है एनर्जी का, मतलब फार्मूला प्रूफ कीजिए, क्वेश्चंस आएंगे इनके तो आप इस फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान दें अभी थोड़ा, और अभी थोड़ा जो बात है ना अभी ज़्यादा क्लियर हुआ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ देख लो पहले। ये फॉर्मूला उस समय के हैं जब रिपल्सन होंगे। ध्यान सुनना, पूरा कहानी पढ़ने के बाद ही समझ में आया है कि जब रिपल्सन होंगे तब फॉर्मूला होगा पॉजिटिव में,
Yes, के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर. और जब अट्रैक्शन वाले होंगे, जब एक प्लस और एक, तो ये बात क्लियर हो गया कि जब रिपल्सन वाले प्रॉब्लम थे प्लस प्लस और माइनस माइनस, तब एनर्जी का फॉर्मूला आया था. आराम से दोनों फॉर्मूला को हमें कर लेते हैं. जब रिपल्सन वाले हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया प्लस प्लस और माइनस माइनस, तब हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आया पॉजिटिव में के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर आया. और जब अट्रैक्शन वाले प्रॉब्लम हुए, मैंने हमने एक चार्ज प्लस लिया और एक चार्ज, तब एनर्जी का फॉर्मूला आया माइनस के मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू बाई आर. समझ आ रहा है बात? तो हम इसे थोड़ा और आसान बना देते हैं फॉर्मूला को. क्या वो दो बार याद नहीं करना है प्लस माइनस? मतलब क्या ये समझ रहे हैं कि मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू का मतलब तो हुआ ना कि साइन सही तो नहीं लिखना है? यस सर. नहीं हुआ ना? यस सर. मॉड क्यू वन मॉड क्यू टू का मतलब हुआ कि साइन को छोड़ के लिखना है? यस सर. हम कहते हैं कि नहीं, साइन के साथ ही लिखो और एक ही फॉर्मूला याद करो, सिर्फ के क्यू वन क्यू टू बाई आर दोनों में काम कर जाएंगे. मॉड हटाओ, सिर्फ साइन, मतलब साइन के साथ लिखो. अब तो सोच कि अगर रिपल्सन रहेगा तो ये प्लस 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 से आएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस में ही आएंगे, एनर्जी पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया. और अगर तो अट्रैक्शन वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो एक बार प्लस आएगा एक बार minus. अपने आप खुद ब खुद माइनस आ जाएंगे. इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रट रहा है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर. ये मॉडल कहानी खत्म करो. स्वयं कि नहीं रटना सिर्फ ये के क्यू वन क्यू टू बाई आर. समझ रहे हैं कि नहीं? के क्यू वन क्यू टू बाई आर. लेकिन जब भी लिखना है तो विथ साइन लिखना है. चार्ज को जब भी गुना करना है तो साइन के साथ गुना करना है. प्लस प्लस रहे तो प्लस प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस रहे तो प्लस माइनस रहे तो हाँ. मतलब कि एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज, मतलब अगर दो चार्ज सेम नेचर के हैं एनर्जी पॉजिटिव देंगे. दो चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो एनर्जी एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. है ना कि नहीं? एनर्जी पॉजिटिव हो सकते हैं और तो सोच रहे कि अगर आर का वैल्यू इन्फिनाइट कर दिया जाए तो एनर्जी का वैल्यू जीरो. मतलब कि एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं. एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं. स्केलर के फैक्टर स्केलर है. के क्यू वन क्यू टू बाई आर एनर्जी का फॉर्मूला है. के क्यू वन क्यू टू बाई आर लिख लो एक बार. तो देख लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया. पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू बाई आर. यह पोटेंशियल एनर्जी. जब एनर्जी है तो इसके ऐसे यूनिट क्या होंगे? जूल. बोले सा यूनिट क्या होंगे? हाँ अरे तो स्केलर है ही. yes, क्या है? ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकते हैं. खैर फॉर्मूला तो हमने निकाल लिए थे इस तरीका से कि एक चार्ज Q1 था और एक चार्ज Q2 था. उसको R1 डिस्टेंस पर रखे थे हम लोग. फिर कहाँ ले गए थे? R2 पर. तो कूलॉम फोर्स ने कुछ वर्क डन किया था और बटन के बराबर लिखे थे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. फिर उसको हमने कंपेयर करके समझ लिया कि इनिशियल पोटेंशियल का वैल्यू क्या है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है. तब जाकर यह निष्कर्ष निकला था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ कि Q1 Q2 बाई R. इससे कोई गड़बड़ी नहीं होंगे. अगर दो चार्ज सेम नेचर के होंगे या प्लस प्लस या माइनस माइनस, मैंने रिपल्सन मामले में, तो अपने आप एनर्जी पॉजिटिव आएगा. yes, अगर एक प्लस रहेंगे और एक माइनस, अट्रैक्शन जैसे मैंने अपोजिट नेचर के, तो एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. लेकिन अगर बाय डिफिनेशन देखा जाए, मान लें कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइंड कीजिए, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो क्या लिखना चाहिए? तो मैंने बाय डिफिनेशन अगर देखा जाए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो हम बात कर रहे हैं कि डिफिनेशन क्या होना चाहिए. एक चार्ज तो क्यू वन है और एक चार्ज क्या है? क्यू टू है. और हमें हम इस दोनों चार्जों के बीच में कितना मान लेते हैं? आर. और हम जानना चाहते हैं कि इसके बीच का एनर्जी क्या है. भाई डिफिनेशन कहता है कि आप इस क्यू टू को समझिए कि इन्फिनाइट पर है. इन्फिनाइट का मतलब है कि रेंज के बाहर. हाँ, मैंने क्यू वन के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है. कौन? क्यू टू. ऐसा समझिए आप कि क्यू टू अभी यहाँ है
और इस Q2 को इनफिनाइटली स्लोली कैसे लाना है, इनफिनाइटली स्लोली, इस Q2 को इनफिनाइटली स्लोली लाइए आप उस पॉइंट तक जहां पर वह जहां पर आप मतलब एनर्जी का वैल्यू जानना चाहते हैं। इसे यहाँ Q1 है और आप Q2 को यहाँ रख के इसके बीच की एनर्जी जानना चाहते हैं, तब ऐसा सोचिए कि Q2 इनफिनाइट पर रखा हुआ है मतलब रेंज के बाहर, तो इनफिनाइट से इस पॉइंट तक इनफिनाइटली स्लोली धीरे धीरे लाने में जितना बर्डन करना पड़ेगा वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 सिचुएटेड एट डिस्टेंस r इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन, अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन टू ब्रिंगिंग any one charge from infinite to that point, infinite to that point where it is placed, जहाँ रखा हुआ था, है कि नहीं? Infinite से इस point तक लाने में जितना burden करना पड़ेगा, सही कि नहीं? Yes sir. Electric potential energy between two point charges Q1 and Q2 situated at a distance r is defined as amount of doing work done to bringing any one charge from infinite to that point. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ ऐसे हिंदी में लिखें तो दो चार्ज Q1 और Q2 जिसकी बीच की दूरी r है की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा किसी एक चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक धीरे धीरे लाने में किया गया कार्य है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सही है? तो भाई डिफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं, अगर लिखना होगा डिफिनेशन तो इसी को आप रिपीट कर लेंगे पीछे से एक बार लिख सकते हैं। Q1 और Q2 के बीच का एनर्जी के Q1 Q2 बाई r, हम थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एनर्जी वाला कुछ। सिंपल प्रॉब्लम क्या, दो चार्ज का तो प्रॉब्लम सॉल्व करने कोई बात ही नहीं है, सिंपल हो जाएंगे एकदम कि एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक मान लें कि 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं, इनके बीच आपका बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के इंटू 10 माइक्रो इंटू 20 माइक्रो और बाई 2 जूल, बाकी तो क्या अभी लोगों को बताएंगे, 9 × 10⁻⁹ माइक्रो में समझते होंगे 10⁻⁶, हाँ मैंने दो चार्ज का एनर्जी निकालना कोई बड़ा बात नहीं। हाँ अगर तीन चार्ज हो ध्यान से सुने, मान लें कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ एक प्लस Q1 है, यहाँ एक प्लस Q2 है और यहाँ एक माइनस Q3 है, तीन चार्ज हैं एक प्लस Q1 एक प्लस Q2 एक माइनस Q3 जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर रखे हुए हैं। अब बताइए कि इस पूरे सिस्टम का एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसे लिखे जाएंगे ध्यान से सुनो, किसी सिस्टम का एनर्जी पूछे नहीं तो जितने पेयर बन सकते हैं हर एक पेयर को लिखना है, जितने पेयर बन सकते हैं हर एक पेयर हर एक जोड़ा को लिखना है, तो क्या एक Q1 और Q2 के बीच बनेंगे, तो लिख लो भाई के Q1 Q2 बाई ए, ये तो पॉजिटिव में ही आएंगे, अरे प्लस प्लस प्लस, अच्छा क्या Q2 और Q3 का एनर्जी माइनस में आएगा, आप चाहो तो ऐसे लिखो भाई कि प्लस दे करके तब लिखो कि माइनस के Q2 Q3 बाई ए, सही, और एक जोड़ा किसान बनेगा Q1 Q3 में, कहाँ बनेगा K Q1 Q3 बाई A, हो गया एनर्जी, सही कि नहीं? यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा कोई पूछे कि सिर्फ Q1 का बताओ, सिर्फ Q1 का, अच्छा ये एनर्जी किसका निकाले हम लोग भाई, सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सिर्फ प्लस Q1 का बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, इसका मतलब सिर्फ वही पेयर लिखने जिसमें Q1 शामिल है, वैसा कोई पेयर नहीं लिखना इसमें Q1 शामिल, जैसे कि Q2 और Q3 वाला पेयर नहीं लिखाएगा, Q2 और Q3 वाले पेयर Q1 का एनर्जी निकालना तो सिर्फ Q1 को लिखिए, Q1 और Q2 और Q1 और माइनस Q3 के साथ, ठीक, तो के Q1 Q2 बाई ए ये हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस के Q1 Q3 बाई ए, समझ आया? Yes, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर चार के रहेंगे इधर मिटाएं, yes,
अगर क्या रहेंगे ये चार, मान लें कि एक स्क्वायर है, ए ए ए ए असल जो है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इस चारों कॉर्नर पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा। तो कितने पेयर बनेंगे, एक दो तीन चार, एक नजर में इतना तो जरूर दिख रहे हैं चार पेयर। क्या चारों पेयर एक ही जैसे हैं? के क्यू क्यू बाई ए, 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 क्या ऐसा ऐसा चार पेयर लिखाएंगे? क्या दो पेयर और बन सकते हैं? हाँ, आयन का जो होगा रूट टू ए होगा, डिस्टेंस कितना होगा? रूट टू ए, इसका मतलब दो पेयर एक जैसे और लिखाएंगे जो होंगे के क्यू क्यू बाई रूट टू ए। हो गया ये डिफरेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, डिफरेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक और सवाल देखें थोड़ा दूसरे ढंग से, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, मान लें कि एक सवाल है कि एक एक इलेक्ट्रल ट्रायंगल ए ए ए साइड्स वाले हैं जिसके तीन कॉर्नर पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रखा हुआ है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रखा हुआ है। हम इस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू की पोजीशन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू की पोजीशन को हम, कि अब इनके जो बीच की डिस्टेंस हैं कितने हो गए हैं? टू ए। कि कौन चेंज किया? हमने चेंज किया एक्सटर्नल, हम कौन है? एक्सटर्नल। हमने चार्ज की पोजीशन को क्या किया है? चेंज किया है। तो आपसे यह सवाल है कि सिस्टम को सिस्टम बनाने में बताओ कि बर्डन बाई एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होगा, मतलब हमने कितना बर्डन किया, हमने कितना बर्डन किया। तो पीछे क्लास में हम पढ़ चुके हैं बर्डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, तो हो गया आंसर। और क्या बर्डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम इसमें लिख सकते हैं? क्या तीन जोड़ा बनेगा के क्यू क्यू बाई टू ए, क्या तीन जोड़ा बनेगा के क्यू क्यू बाई टू ए, क्या स्टार्टिंग में भी तीन जोड़ा बनेगा के क्यू क्यू बाई ए, बोल। एनर्जी हो गया हम लोग का बर्डन, बर्डन बाई एक्सटर्नल, बर्डन बाई बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। समझ आ रहा है कि नहीं? चलो लिख लो पहले एक बार, अभी सवाल ध्यान सुने, ऐसा नहीं कि एक चार्ज यहाँ क्यू है, एक चार्ज यहाँ क्यू है और एक चार्ज यहाँ क्यू है, डिस्टेंस कितना है ए, और अभी हमने इसे कर दिया था कितना पर? 2a पर। हाँ, Q, Q, Q. तो बटन निकाले थे अभी हम लोग, बटन निकाले भी थे हम लोग कि 3 इंटू के क्यू क्यू वाई टू ए माइनस 3 इंटू के क्यू क्यू वाई ए। ठीक है, सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा भी रास्ता होगा इस क्यू के डिस्टेंस बढ़ाने का, क्या कोई ऐसा भी एक और पाथ हो सकता है इस क्यू के पोजीशन को चेंज करने का ताकि इससे थोड़ा और कम ही काम करना पड़े और ये क्यू क्यू का पोजीशन टू ए पर आ जाए, जो भी कितना पर था ए ए ए पर, बस बने के लिए ए ए ए पर जो ये चार्ज है भी कितना पर हो गए? टू ए और टू ए पर, कितना पर हो गए? 2a 2a और 2a पर। तो कोई तो डिस्प्लेस कराया हुआ चार्ज को घिसकाया होगा, जिस मेथड से भी इस तरह से किया होगा, क्या उससे भी कोई और दूसरा रास्ता ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि इससे भी थोड़ा और कम बर्डन करना पड़े? तो आंसर क्या होगा हम लोग का? नहीं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या एक कंजर्वेटिव फोर्स? हाँ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, आप चार्ज को किस तरह से ले गए इससे मतलब नहीं है, बस चार्ज कहाँ था और कहाँ गया, इनिशियल पोजीशन है फाइनल पोजीशन, बस इससे मतलब है। तो ऐसा बात रहे कि क्या कोई ऐसा भी एक मतलब और इससे भी कोई दूसरा तरीका पॉसिबल है जिसमें कि इससे कम बर्डन करना पड़े? नहीं समझ, समझ गए कि नहीं? हाँ, वैसे सही, ये तो क्वेश्चन हो ही गया था।
एक सवाल है, ध्यान सुनिए आप, कि एक चार्ज यहाँ Q1 है, एक चार्ज यहाँ क्या है? Q1 है, एक चार्ज यहाँ Q1 है, या Q है, क्या ये Q है, एक चार्ज यहाँ और क्या है Q है, यहाँ भी एक चार्ज Q है और यहाँ भी एक चार्ज Q है, दोनों फिक्स किया हुआ, क्या किया भाई? फिक्स किया हुआ है। और इन दोनों चार्जों का बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? 2a। कितना है? 2a। और इसकी ठीक मिडिल में एक चार्ज और है, माइनस क्यू। कौन चार्ज? माइनस क्यू। जिसका मास कितना है? m। इसे कितना वेलोसिटी दिया गया यहाँ? v। कितना दिया गया? v। सवाल ध्यान से सुने, तो क्या ई डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है? यस सर। हाँ, मिडिल पॉइंट पर है। तो जब वी वेलोसिटी दिया गया तो एक चार्ज इधर आगे जाना शुरू हुआ, लेकिन क्या जैसे ही चार्ज माइनस क्यू आगे जाएंगे, प्लस क्यू अट्रैक्ट करेंगे और ये प्लस क्यू यहाँ अट्रैक्ट करेंगे, तो इनका जो वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। तो कभी तो जाकर रेस्ट होंगे, कभी तो जाकर इनका वेलोसिटी जीरो होगा माइनस क्यू का। तो बताइए आप कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद यह क्या हो जाएगा? जीरो। एक्स निकालना है, क्या निकालना है? क्या है वैल्यू ऑफ एक्स? कि आपने माइनस क्यू चार्ज को वहां से प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी से दिया है, जिसका मास कितना है? एम। तो बताएं कितना डिस्टेंस चलने के बाद क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। हमने चार्ज को मतलब फेंक दिया कि या फिर लेके जा रहे हैं? फेंक दिया है कि नहीं? हमने चार्ज को फेंक दिया कि हम ले करके जा रहे हैं माइनस क्यू को। हमारा कोई संपर्क इस माइनस क्यू चार्ज से नहीं है, मतलब हम कोई बर्डन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए कोई एक फुटबॉल है, आप उसे मार रहे हैं पैर से, फुटबॉल जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि आपने बर्डन किया है। बर्डन तब कहे जाते हैं जब आप कांटेक्ट में होते हैं। किसी फोर्स ने किसी मतलब कि बॉडी पर बर्डन किया, इसका मतलब है कि वह फोर्स हमेशा उस बॉडी के कांटेक्ट में था, है कि नहीं? हमने इस माइनस क्यू चार्ज को फेंक दिया कि लेकर जा रहे हैं? फेंक दिया। हमने कोई बर्डन नहीं किया है। बर्डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखो, बर्डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। बर्डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ऐसा तब होता है जब काइनेटिक एनर्जी का कोई जिक्र नहीं। चूंकि इस सवाल में काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए लिखा जाएगा बर्डन बाय एक्सटर्नल का मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। समझ आया ये बात? यस सर। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। yes, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहले इनिशियल ही लेते हैं कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी आते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि यह इनिशियल है इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहा है कि नहीं? चलो, इनिशियल काइनेटिक सब जानता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यस सर। हमने माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल को जिसका मास एम है कितना वेलोसिटी दिया था? तो कितना काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान सुनो, अब इस पूरे सिस्टम का निकालना है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एक पेयर यहाँ बनेंगे, एक पेयर यहाँ बनेंगे और एक पेयर यहाँ बनेंगे। डायरेक्ट बोल। यस सर।
एक q और माइनस q, फिर एक माइनस q और एक q, फिर एक q और q. तो इस q और q के बीच क्या एनर्जी लिखो, तो माइनस k q q by a. ठीक है? Yes sir. माइनस के क्यू क्यू वाई, हम तो बोलते इसी को दो बार लिख दो. यस सर. इसी को दो बार लिख दो. एक माइनस के क्यू क्यू वाई ए, एक यहाँ माइनस के क्यू क्यू वाई ए, और एक के क्यू क्यू वाई टू ए. एक के क्यू क्यू वाई टू ए. सही कि नहीं? Yes, sir. हो गया हम लोग का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू. लास्ट में तो रुकना ही रुकना है. लास्ट में क्या होना है? रुकना ही रुकना है. तो ये हो गया जीरो. बाकी बचा कौन आपका? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. क्या बचा? हाँ, गौर से देख लो. अभी माइनस क्यू यहाँ नहीं है, माइनस क्यू यहाँ है. फाइनल पोजिशन पर आ जाओ. तो क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर? क्या ये भी डिस्टेंस होंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर? इसका मतलब अभी भी तीन जोड़ा करूंगा लिखा है, ध्यान सुनना. एक लिखाएंगे माइनस में के क्यू क्यू, चूंकि माइनस ही प्लस है तो माइनस के क्यू क्यू बाई आर, और फिर इधर से भी देखो तो माइनस के क्यू क्यू बाई आर. क्या ये दो बार लिखाएगा? Yes, एक ही तरह का एनर्जी दो बार लिखाएगा. Yes, और एक लिखाएगा के क्यू क्यू बाई टू ए. के क्यू क्यू बाई, इसको लिख लेते हैं और इसको एक साथ लिख लेते हैं कि माइनस के क्यू क्यू बाई आर टू बार. Yes, दो बार. Yes, तो ऐसे माइनस के क्यू क्यू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना बार? दो बार. और एक बार के क्यू क्यू बाई टू. बस इसे भी हिसाब आपको निकालना है एक्स का. मतलब देख, हम ये सवाल इसलिए नहीं कराएं कि मतलब ट्वेल्थ लेवल के सवाल हैं, बस इस कराने मतलब महसूस कराने का कोशिश किए हैं कि आप मतलब इस तरह के सवाल बना सकते हैं जितने भी बर्डन वाले सवाल हैं. या तो बर्डन निकालना होगा तो कह देना फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, या तो जब कभी लेके हमने चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया, ऐसे सवालों में तो सोच रहे हैं कि हमने कोई बर्डन नहीं किया है, और ऐसे सवालों में फाइनल मतलब मैकेनिकल एनर्जी बराबर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मेन हम लोग लिखते हैं, उसमें दोनों एनर्जी आते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. हाँ, आदि सवाल में काइनेटिक एनर्जी का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है तो सवाल सिर्फ किसके होंगे? पोटेंशियल एनर्जी के. लेकिन मेरे ये दोनों आते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी आते हैं और पोटेंशियल एनर्जी. तो ये सवाल ऐसा नहीं कि मतलब ट्वेल्थ लेवल के हैं आप पाएंगे, मतलब इसलिए कराया गया. और यहाँ से आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं. समीकरण हम सिर्फ लिख के दिखा दिया आपको इक्वेशन, आप यहाँ से इसे फिर निकाल सकते हैं एक्स का. तो बस ये बताने का कोशिश की कि इसी तरह के सवाल ज़्यादा मतलब हार्ड होते नहीं है, खाली आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस. अगर बर्डन हुआ तो भी ठीक, बर्डन नहीं हुआ तो भी ठीक. सही कि नहीं? लिख लो इसको. अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव. जिस तरह से फोर्स और इंटेंसिटी था ना, उसी तरह से है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ध्यान सुन लो पहले, जैसे कि मान लिया चार्ज, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? R. फोर्स बोलना है, फोर्स K Q1 Q2 by R square. K Q1 Q2 by R square. ठीक. इसके मतलब Q1 Q2 by R square हो गया फोर्स. अगर एक चार्ज कैपिटल Q हो और एक चार्ज स्मॉल Q हो, ठीक, तो इसके बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगर R है तो फिर से फोर्स बोलो K mod Q by R square. सही है? Yes, अच्छा ठीक. फिर से देखो यहाँ प्लस Q1 प्लस Q2 बीच का डिस्टेंस R, एनर्जी का फॉर्मूला बोलो K Q1 Q2 by R. अभी पढ़े थे? Yes, और एक हो गया कैपिटल Q, एक हो गया स्मॉल Q, बीच का डिस्टेंस R, एनर्जी का फॉर्मूला बोलो K Q Q by R.
Say yes sir. He have force, he have energy. Say yes sir. Electric potential energy or electric force? Coulomb force. Yes sir. Say ये वेक्टर आरो सब पीछे पढ़ा पढ़ाया बात वेक्टर आ रही स्केलर। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगर इस क्यू को 1 कूलम कर दो, अगर इस क्यू को 1 कूलम कर दो तो यह जो फोर्स आएगा वह इंटेंसिटी कहा जाएगा। यस सर। बोल यस सर। अगर इस क्यू को क्यू टेंस टू 1 कूलम, Q is equal to 1 coulomb. अगर इस Q को 1 coulomb कर दो तो इस पॉइंट पर ये जो फोर्स आएगा वो फोर्स नहीं कहा जाएगा, इंटेंसिटी कहा जाएगा। मतलब इंटेंसिटी निकालना कोई बड़ा बात नहीं, अगर आपको फोर्स निकालने आता तो आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। yes, सही कि नहीं? yes, इंटेंसिटी कोई बड़ा टॉपिक नहीं, फोर्स से ही आया इंटेंसिटी। आसान सवाल है। जहां पर इंटेंसिटी का वैल्यू पता करना होता है वहां पर आप प्लस 1 कूलम चार्ज को रख देते हैं और उस प्लस 1 कूलम पर जितना फोर्स लग पाता है उसे ही हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक वही सवाल हो। हाँ, कि अगर आप इस क्यू को 1 कूलम कर दें, अगर इस क्यू को 1 कूलम कर दें तो ये जो एनर्जी आएगा अब पोटेंशियल कहा जाएगा। जिस तरह से वहां अगर प्लस 1 कूलम रख दिया जाए तभी जो फोर्स लगाएगा वह इंटेंसिटी कहा जाएगा इस क्यू का। yes, sir. इस पॉइंट पर। yes, sir. उसी तरह से अगर यहाँ 1 कूलम रख दिया जाए प्लस 1 कूलम तब जो इसके बीच का एनर्जी आएगा वह पोटेंशियल कहा जाएगा इस चार्ज क्यू का इस पॉइंट पर। yes, समझ आया? yes, मतलब कि किसी भी चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल का वैल्यू पता करना है, किसी भी चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल का वैल्यू पता करना है तो जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल पता करना वहां क्या रख दो? प्लस 1 कूलम। प्लस 1 कूलम और क्या निकालो? एनर्जी। एनर्जी क्या निकालो? एनर्जी। एनर्जी वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आए कि नहीं? हाँ, इन न्यूमेरिकल वाइज एकदम डिफिनेशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज इज डिफाइंड एज एनर्जी, डिफाइंड एज एनर्जी बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड 1 कूलम चार्ज, प्लस 1 कूलम चार्ज विच इज सिचुएटेड एट दैट पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड। मैंने यदि किसी चार्ज का आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है कि इस फलाना चार्ज के चलते इस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, तो किसी चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव उस पॉइंट पर रखे गए प्लस 1 कूलम और प्लस क्यू कूलम के बीच का एनर्जी है, के बीच का एनर्जी है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व। सही कि नहीं? yes, मतलब आप अगर सिंपल सोचें कि यहाँ पर हम एक प्लस क्यू चार्ज रख दें, हम यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दें, आपसे पूछे कि 2 मीटर की दूरी पर आप बताओ या आर डिस्टेंस पर बताओ यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या रखेंगे? प्लस 1 कूलम और क्या निकालेंगे दोनों के बीच का एनर्जी? के क्यू इनटू 1 बाई आर, 1 लिखा ना, कोई दिक्कत? मतलब के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? पोटेंशियल। अब थोड़ा और सुने जा रहा है, यहाँ ध्यान दें, मतलब इंटेंसिटी का मतलब हुआ प्लस 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स। yes, sir. नहीं? yes, sir. तो पोटेंशियल का मतलब हुआ 1 कूलम का एनर्जी। yes, sir. 1 कूलम के साथ एनर्जी। yes, sir. बोल। yes, sir. तो तुमको पीछे का अगर कुछ बात याद हो तो हम लोग पढ़े थे इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम। yes, sir. न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। आधे पहले कुछ हाँ ऐसे कि क्यू कूलम पर एफ फोर्स लगता है तो 1 कूलम पर एफ बाई क्यू फोर्स लगेगा, इसका मतलब ही इंटेंसिटी है। यूनिट हो गया था न्यूटन पर कूलम। जब इंटेंसिटी के बारे में चर्चा चल रहा था वैसे ही सोच कि जब क्यू कूलम होते हैं तो एनर्जी यू कहलाता है और जब 1 कूलम हो जाते हैं तो एनर्जी तो यू बाई क्यू हो जाएगा। क्या इसे हम लोग पोटेंशियल कहते हैं? इसका मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी बाई चार्ज। समझ आएंगे? yes, क्यू कूलम पर
वाले फोर्स को हम लोग फोर्स कहते हैं। क्यू कूलम पर मान लें एक बड़ा क्यू चार्ज था, एक बड़ा क्यू चार्ज है, एक छोटा क्यू चार्ज है, बीच का डिस्टेंस आर है, तो इस क्यू कूलम पर जो लगा हो तो फोर्स क्या लगेगा एफ। तो एक कूलम पर लगने वाला फोर्स कहेंगे बाय क्यू। क्यू कूलम पर एफ फोर्स लगाते कूलम पर बाय क्यू। इसी वन कूलम पर लगने वाले फोर्स को तो हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी बराबर फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। वैसे ही सोच कि क्यू कूलम अगर है तो इसके बीच की एनर्जी को हम लोग यू लिखते हैं कि नहीं। माने क्यू कूलम पर अगर यू जूल एनर्जी है क्यू के साथ तो वन कूलम के साथ कितना होगा यू बाई क्यू, और एक कूलम के साथ जितना एनर्जी होगा वही तो भी है। वन कूलम के साथ जितना एनर्जी होगा वही तो भी है। इसका मतलब भी का यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट, इसका मतलब के क्यू बाय आर क्या होगा वोल्ट। सही है कि नहीं? ये भाई न्यूमेरिकल के लिए इतना बात हम मतलब बकबक किए हैं कि ताकि आपको मतलब तुरंत समझ में आ जाए कि पोटेंशियल कैसे निकालना है। जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है क्या रखना है और क्या निकाल लेना है, एनर्जी। मान लिया आगे पास चार चार्ज हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और इस पॉइंट पर आपको क्या चाहिए पोटेंशियल। तो प्लस वन को तुम रख दो, एक बार इस क्यू के साथ इसका एनर्जी निकाल लो, एक बार इस क्यू के साथ इसका एनर्जी निकाल लो, एक बार इस क्यू के साथ इसका एनर्जी निकाल लो, एक बार इस क्यू के साथ इसका एनर्जी निकाल लो, चारों को जोड़ो, इस चारों चार्ज के चलते क्या आ गया पोटेंशियल। हाँ, इन चारों का आपस में कोई एनर्जी निकालना नहीं है। हाँ, समझ रहे? जिस चार्ज का पोटेंशियल चाहिए उस चार्ज और प्लस वन कूलम के बीच का एनर्जी, इसके अगर पोटेंशियल चाहिए इस चार्ज प्लस वन कूलम के बीच का एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सही नहीं? यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सही है? तो बाई न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। इससे एक सवाल सिंपल, मान लें यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, कितना है 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, और यहाँ पर एक और 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, और एक पॉइंट पी है इधर से भी 2 मीटर पर, इधर से भी 2 मीटर पर। आप अगर बोले कि पॉइंट पी पर क्या बताओ जी पोटेंशियल, तो पहले क्या रखेगा तू यहाँ, हाँ एक बार इसके साथ एनर्जी निकालेगा और एक बार, हाँ अगर इसका पोटेंशियल निकालना तो कैसे एनर्जी निकालो, तो के इंटू 10 माइक्रो बाय 2, अरे 1 गुना करने को अंतर थोड़ी पड़ेगा, प्लस K into 10 micro by 2 हो गया पोटेंशियल। यूनिट बोल वोल्ट, यूनिट बोलो वोल्ट, मतलब जूल पर कूलम, जूल हाँ वोल्ट में तो जूल पर कूलम, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने जहाँ भी पोटेंशियल निकालना प्लस वन कूलम रखो, और जिसके चलते पोटेंशियल निकालना वो वाले चार्ज और प्लस वन कूलम के बीच का एनर्जी लिखो, जितने चार्ज हैं सबका अगर निकालना तो सबके का मतलब, सबका मतलब जोड़ा बनाओ प्लस वन कूलम के साथ, सबके एनर्जी को लिखो। जैसे अभी हमें यहाँ पर पी पॉइंट पर इसका पोटेंशियल जानना था और इसका, तो एक बार इसके इसके साथ एनर्जी लिख दिया प्लस वन कूलम का, है कि नहीं? और एक बार इसका बनाए प्लस वन कूलम के साथ, दोनों को लिख दिया, इसके इसके बीच का कभी एनर्जी लिखना नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ये हम लोग का क्या पोटेंशियल, ये बात बाई न्यूमेरिकल। अब यार हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर बाई डिफिनीशन समझ में ना है भाई, जिस डिफिनीशन जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी समझे थे, तो बाई डिफिनीशन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझें तो आपको पहले मतलब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन लिखा है तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था। तो उसमें लिखा था कि दो चार्ज Q1 और Q2 जिसके बीच का डिस्टेंस R है का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q2 को, नहीं मैंने किसी एक चार्ज को Q1 को रोक के रखे थे और Q2 को सोचते कि कहाँ से लाना है, इन्फिनाइट से उस पॉइंट पर जहाँ वह रखा हुआ है, तो लाने में जितना बर्डन करना पड़ा था वो डिफाइन हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम प्रोसेस, अगर आप किसी प्लस क्यू चार्ज के चलते r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल जानना चाहते हैं तो आप समझिए कि एक प्लस वन कूलम चार्ज जो कहाँ रखा हुआ है अभी इन्फिनाइट पर, उसे आप इन्फिनाइटली स्लोली उस पॉइंट तक ला रहे हैं जहाँ पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू पता करना है। लाने में जितना बर्डन करना पड़ेगा इट इज डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन to bringing a unit positive charge from infinite to that point where potential is calculated. Yes, yes.
समझ आया? यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू दैट पॉइंट इनफिनाइटली स्लोली मतलब कि किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव एकांक धन आवेश को यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस वन कूलॉम एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक धीरे धीरे लाने में किया गया कार्य है। ठीक, बाकी तो फॉर्मूला को पता ही है, इक्वल टू कितना आया था KQ by R, यूनिट पता ही आपको वोल्ट, और भी आप पढ़ चुके थे कि E भी बराबर U by Q, भी बराबर U by, ऐसे समझ कि यहाँ पर देख यहाँ पर एक Q था, ऐसे बताए थे Q था, रेडियंस R था, तो आप U बराबर क्या लिखोगे KQ by R, बोल। अगर इसको Q कर दो और इसको कितना कर दो वन कूलॉम, तो क्या इसको U लिखोगे कि भी लिखोगे आप भी, तो भी इक्वल टू KQ by R। अब तो सोच के अगर U में Q भी से क्या दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो KQ by R तो कितने आएंगे Q, इसका मतलब तो समझ ले कि एनर्जी बराबर पोटेंशियल इनटू चार्ज, जो समझ ना जो समझ, या तो पोटेंशियल बराबर एनर्जी बाई चार्ज, समझ आ रहा है? यस सर। पोटेंशियल बराबर एनर्जी बाई चार्ज, इसी से लाए थे जूल पर कूलॉम इक्वल टू वोल्ट, जूल पर कूलॉम इक्वल टू वोल्ट, समझ आया कि नहीं? हाँ, बहुत से सवाल यहाँ से और खुल जाते हैं। अगर कोई पूछे जैसे आपको एक पीछे बात आते बगडन माई एक्सटर्नल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बटन माई एक्सटर्नल इजिकल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस बटन माई एक्सटर्नल इजिकल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल इनटू चार्ज, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज, इसका मतलब चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। बटन माई एक्सटर्नल इजिकल टू चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, एक सवाल है देख, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहाँ पर मान लो कि 20 वोल्ट है, बी पॉइंट में कितना वोल्ट है 20 वोल्ट, यहाँ कितना वोल्ट है 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट। आपसे एक सवाल है कि फाइंड अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन टू डिस्प्लेस ए चार्ज, मान लिया जाए 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज को कितना को 5 माइक्रोकूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? 5 माइक्रोकूलम चार्ज को किसे 5 माइक्रोकूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा मेरा कि चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस, हाँ हम जो काम करेंगे बटन बाई एक्सटर्नल ये हो जाएगा चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस, तो चार्ज तो 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, कूलम छोड़ दिए तो यूनिट छोड़ दिए बाहर लिखेंगे, और फाइनल पोटेंशियल 20, इनिशियल पोटेंशियल 10, ऐसा कूलम इसका वोल्ट, कूलम इनटू वोल्ट इज इक्वल टू जूल, तो कितना हो गया ये 50 माइक्रो जूल, 50 माइक्रो जूल है कि नहीं? कितना बर्डन करना पड़ेगा 50 माइक्रो जूल, मैंने कि हम समझ ले बर्डन बाई एक्सटर्नल का एक फॉर्मूला कि चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस, हाँ, या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, उसी को तोड़ दिया गया चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। खैर इस बात आगे और होगा, लेकिन हम पहले कुछ पोटेंशियल निकालने वाले प्रॉब्लम कर लेते हैं कि कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है। छोटा छोटा क्वेश्चन ध्यान से देखो, जैसे कि सिंपल सिंपल सवाल आप देखें,
मान लें कि एक लेटरल ट्रायंगल है, इसी तरह के सवाल, जैसे यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। आई पॉइंट का नाम क्या है? पी। आप इसके पूछे कि पॉइंट पी पर पोटेंशियल का वैल्यू बताओ। पॉइंट पोटेंशियल का वैल्यू बहुत आसान, इस क्यू के चलते तू लिखेगा तो के क्यू वाई ए, और इस क्यू का लिखेगा तो माइनस के क्यू वाई ए। वास्तव में तो एनर्जी लिख रहा है, वास्तव में क्या लिख रहा है? प्लस वन कूलम रख करके, प्लस वन कूलम रख करके, अगर इसका पोटेंशियल है तो इसका एनर्जी लिखो। Yes, sir. इसका पोटेंशियल निकालना है, इसका एनर्जी लिखो। एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, के क्यू क्यू वाई आर, है कि नहीं? Yes, हाँ। अगर दोनों प्लस हो सेम नेचर के तो प्लस में एनर्जी लिखाना है। Yes, sir. अगर दोनों पॉजिटिव नेचर हो तो माइनस में एनर्जी लिखाएंगे। Yes, क्या पोटेंशियल इक्वल टू जीरो? पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है बात? Yes, हाँ। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। आई तो स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर की वेक्टर, पोटेंशियल स्केलर की वेक्टर, एनर्जी स्केलर की वेक्टर। जब एनर्जी है स्केलर तो पोटेंशियल भी, क्योंकि पोटेंशियल भी तो एनर्जी ही है। फोर्स वेक्टर के स्केलर, इंटेंसिटी भी, इंटेंसिटी भी क्या तरह का वेक्टर ही है, फोर्स ही है। इंटेंसिटी क्या तरह का फोर्स ही है, इंटेंसिटी भी वेक्टर। तो पोटेंशियल क्या होंगे? स्केलर। कोई डर का तो झमेला है नहीं, सीधे जोड़ते जाओ। जैसे कि मान लिया जाए एक सवाल, यहाँ पर एक प्लस क्यू, यहाँ भी एक प्लस क्यू और यहाँ भी एक प्लस क्यू, सही है? Yes, sir. प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ए ए ए, यहाँ पर पॉइंट पी। फिर आपको लिखना है कि पॉइंट पी पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। कितने बार लिखाएंगे पहले बताओ? तीन बार। कितने बार लिखाना पड़ेगा? तीन बार। सबसे पहले यहाँ रखो प्लस वन को लो। अगर इसका पोटेंशियल लिखना है तो लिख के क्यू बाई ए, के क्यू बाई, इसका लिखो तो के क्यू बाई, क्या इसका लिख पाएगा? के क्यू बाई रूट टू ए, के क्यू बाई रूट हो गया वोल्ट। समझ आया कि नहीं? पोटेंशियल हो गई। तो इस तरह का पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जहां पर आपको निकालना है पोटेंशियल वहां पर क्या रख दो? प्लस वन कूलम। और जिस चार्ज का पोटेंशियल निकालना है उस चार्ज और प्लस वन कूलम के बीच का एनर्जी निकाल निकाल के लिखते जाओ। सही कि नहीं? एक सवाल और देखें आप, थोड़ा अच्छा सवाल। क्या हम कभी पीछे पढ़े थे कि एक रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इंटेंसिटी बताइए? अगला क्वेश्चन है कि मान लो एक रिंग है, क्या एक रिंग, इस पर चार्ज है कितना? प्लस क्यू। मान लो कि रिंग पर चार्ज कितना है टोटल? प्लस क्यू चार्ज है टोटल। इसका रेडियस कितना है? आर। और इसके सेंटर पर का नाम क्या दे दिया हम लोग? पी। तो बताओ कि पॉइंट पी पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? मतलब कि पॉइंट पी पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? हाँ, इसको ऐसे सोचो कि जो रिंग है बहुतों सारे पार्टिकल से मिलकर बने हों। रिंग बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, हर एक पार्टिकल का चार्ज कितना मानो? डी क्यू। हर एक कितना मानो? डी क्यू। हर एक का डी क्यू, कि छोटे 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 डी क्यू चार्ज से पूरा रिंग तैयार है। तो अगर इस प्रकार से सोचो तो यहाँ पहले प्लस वन कूलम रखो, यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, पहले प्लस वन कूलम चार्ज वहाँ रख दो। और हर एक डी क्यू के साथ एनर्जी निकालेंगे हम लोग। तो जब एक डी क्यू के साथ एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा? के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई। क्या अगला का भी वही आएगा? के डी क्यू बाई आर। क्या अगला का भी वही आएगा? के डी क्यू बाई। ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जब तक कि पूरा रिंग कवर, हाँ, के डी क्यू बाई आर, 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 अनंत होंगे पार्टिकल्स होंगे। ये पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्या इसमें से के वाई आर कॉमन हो जाएंगे? बाकी बचेंगे डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने डी क्यू सब जुटेंगे। जब जितने डी क्यू सब जुटेंगे तो क्या हुआ? क्यू के बराबर आएगा। आंसर हो गया आपका के क्यू बाई आर। रिंग के सेंटर पोटेंशियल बराबर के क्यू बाई आर। इसी में एक सवाल और बनता है कि मान लें कि आपका रिंग ऐसे रखा हुआ है, सही नहीं? Yes, sir. सही नहीं? Yes, sir. रिंग ऐसे रखा हुआ है और चार्ज कितना है? वही क्यू, वही रिंग है एकदम।
चार्ज कितना इस पर क्यू टोटल चार्ज टोटल कितना है क्यू है अच्छा रेडियस कितना है आर तो बताओ इस रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जब कोई पॉइंट क्या होगा पी रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट क्या होगा बताओ वहां पोटेंशियल का वैल्यू क्या है बताओ कि वहां पोटेंशियल का वैल्यू क्या है तो क्या फिर इसी बार उसे कंसीडर कर लो कि मान लें इस पूरे रिंग पर कितने पार्टिकल्स हैं अनंत पार्टिकल्स हैं फिनाइट पार्टिकल्स हैं सब पर चार्ज कितना है तो यहाँ प्लस वन कूलम रखा जाएगा पहले जहाँ पोटेंशियल का वैल्यू पता करना वहाँ क्या रखेंगे प्लस वन कूलम तो इस प्लस वन कूलम इस प्लस के साथ हर एक डिग्री का एनर्जी निकालना पड़ेगा yes, sir. क्या इस प्लस वन कूलम से कोई भी डिग्री के बारे में अगर सोचो अगर हम इसके बारे में सोचें जो यहाँ पर डिग्री है तो क्या यह एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो अगर इस डी क्यू का पोटेंशियल सोचा जाए तो के डी क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक डी क्यू का हुआ क्या अगला डी का भी यही कहानी होगा हाँ जब रिंग इस तरह से हैं रखे हुए हर एक डी क्यू डी क्यू डी क्यू है चारों तरफ डी क्यू है तो इस हिसाब से हर एक डी का दूरी तो वही आएंगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सही है कि नहीं तो इसका मतलब के डी अगला बार फिर हो जाएगा के डी क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या ऐसा ऐसा बहुत बार इनफिनाइट बार होंगे जितने जितने डी क्यू उतने बार तो के और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे और फिर कितना बचेगा यहाँ डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू सब ना अब सब डी क्यू को फिर जोड़ो तो फिर क्यू इसका मतलब इस बार आंसर आएंगे के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सही कि नहीं हाँ सिंबल सिंबल सब आने सब चलो लिख लो इसे एक सवाल है आपसे कि मान लिया जाए कि एक चार्ज है यहां पर प्लस 10 माइक्रो कूलम और एक चार्ज और है प्लस 20 माइक्रो कूलम प्लस 20 माइक्रो कूलम इसके बीच का डिस्टेंस कुछ है 4 मीटर मान ले सवाल आपसे यह है कि बताओ कहां पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा कहां पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा ऐसे सवाल को कभी सॉल्व करने लायक है मतलब रहते ही नहीं है होंगे नहीं तो रहें क्या तो सोच पहले पोटेंशियल जीरो होना है पोटेंशियल क्या होना है जीरो होना और दो चार्ज हमारे पास हैं अच्छा अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उनका पोटेंशियल किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा अरे बोल अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उनका पोटेंशियल किसी पॉइंट पर क्या आएगा हाँ खुद पॉजिटिव है हम जहाँ पोटेंशियल निकालते हैं वहाँ खुद प्लस वन कूलम रखते हैं तो क्यू प्लस और प्लस वन कूलम में प्लस तो प्लस इंटू प्लस प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई आर सही नहीं ये बात तो कंफर्म है भाई कि प्लस क्यू चार्ज क्या किसी पॉइंट में पोटेंशियल पॉजिटिव होता होगा और माइनस क्यू चार्ज क्या नेगेटिव होता होगा इसका मतलब जीरो होने के लिए बात तो श्योर है ना कि एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और एक चार्ज अगर तू यहाँ पोटेंशियल निकालेगा इस तरफ कहीं भी तो पोटेंशियल जो है एट पॉइंट पी इज ऑलवेज पॉजिटिव इज ऑलवेज इसके चलते भी पॉजिटिव और इसके चलते भी तो कहीं निकाल इसके बीच में कहीं निकाल पोटेंशियल क्या आएंगे पॉजिटिव इधर भी कहीं निकाल पोटेंशियल क्या आएंगे कोई ऐसा एक पॉइंट है जहां पोटेंशियल जीरो होने का चांस है नहीं। कैसे जीरो होने का चांस तब तो होता जब एक चार्ज पॉजिटिव होते और एक चार्ज तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल देते और एक तो कहीं जरूर समेशन करने के बाद जीरो आने का चांस बनता बोल इसका मतलब ये बात तो एकदम साफ साफ समझ में आपको आ जाना चाहिए कि अगर दो चार्ज प्लस प्लस है या दो चार्ज माइनस माइनस है दो चार्ज माइनस माइनस है ऐसे सिस्टम कभी ऐसा नहीं बताएंगे कि कहां पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा
इसमें आप आंसर ला ही नहीं सकते कि हम पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा, होगा ही नहीं, तो आप लाएंगे कहाँ से? समझ आया कि नहीं? यस सर। तो क्या ये बात कन्फर्म हुआ कि पोटेंशियल जीरो तभी होंगे जब एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव होगा? तब तो सवाल बन सकते हैं। यस सर। तो सवाल हम नया बनाते हैं अब, कि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव तो कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा? हाँ, सवाल देखे हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज, हाँ इसे तो मिटाएं, इसलिए लिखने से कोई फायदा नहीं। हाँ, अब याद रखें कि दो चार्ज पॉजिटिव हैं और दो चार्ज, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पोटेंशियल का वैल्यू जीरो आएगा। लेकिन यह है कि एक चार्ज प्लस और एक चार्ज, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। तो मान लें कि एक चार्ज जो है प्लस 4 माइक्रो कूलम्ब है और एक चार्ज जो है प्लस 9 माइक्रो कूलम्ब, नहीं माइनस 9 माइक्रो कूलम्ब है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लो कि 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर। हाँ, अब आपसे सवाल है कि फाइंड पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। देखते हैं कैसे कैसे होता है। सब तरह से शुरू करते हैं, माने पहले तरह से शुरू करो, कैसे शुरू करते हैं? यस सर। ठीक, मान लें कि यहाँ से x डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं जहाँ पोटेंशियल का वैल्यू क्या आने वाला है? जीरो। आएगा कि नहीं आएगा हमें पता नहीं है, हमें पॉइंट कंसीडर किए हैं सोच करके कि एक चार्ज प्लस है ये है, एक चार्ज क्या है माइनस है, तो पोटेंशियल जीरो आना चाहिए ना कहीं ना कहीं। तो एक के चलते पॉजिटिव पोटेंशियल होंगे, अरे के चलते नेगेटिव पोटेंशियल होंगे, कहीं तो दोनों का समेशन जीरो होगा। हाँ, तो देखते हैं कहाँ पोटेंशियल जीरो होता है। हम मान लें कि माइनस 9 माइक्रो कूलम्ब से दाईं ओर एक्स डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी है जहाँ पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर उतना इक्वल टू क्या लिख देंगे? जीरो। तो देखते हैं यहाँ पोटेंशियल क्या होते हैं पॉइंट पी पर। क्या इस माइनस 9 के चलते लिखाएगा माइनस के 9 माइक्रो वाई एक्स? Yes, नहीं समझ में आया? माइनस के 9 माइक्रो वाई एक्स, यहाँ तो रख दिया ना प्लस 1 कूलम्ब। यस सर। तो इसी के बीच एनर्जी निकालो ना, एनर्जी प्लस में कि माइनस में? माइनस में। सही है? यस सर। और उसका निकालो तो प्लस में के इंटू 4 माइक्रो वाई 2 प्लस एक्स। क्या पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू जीरो? अच्छा, तो माइनस के और माइक्रो तो कॉमन है। यस सर। तो 9 वाई प्लस 4 वाई, नहीं माइनस कॉमन ही लेते हैं, तो माइनस यहाँ लिखेंगे हम लोग कि माइनस 9 वाई एक्स प्लस 4 वाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। क्या ये वाला जीरो? तो उसको लिखा कि 4 बाई 2 प्लस एक्स माइनस 9 वाई एक्स इज इक्वल टू एलसीएम बोल दो 2 इंटू 2 प्लस, हमको पता है एलसीएम क्या इक्वल टू करना सीधे, क्या एलसीएम? 4 बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 बाई एक्स। सही है? यस सर। पहले इधर कर ले, 9x प्लस 18 इक्वल टू 4x, 5x इज इक्वल टू माइनस 18, इसलिए x बराबर माइनस 18 बाई 5। कुछ पॉइंट वॉइंट तो आएंगे हैं, माइनस 18 बाई 5 कितना आएंगे लगभग बोल? माइनस 3.6। हाँ सही तो है, माइनस 3.6। ओहो, मतलब कि यहाँ से ध्यान सुनना, यहाँ से इधर 3.6 नहीं, यहाँ से इधर 3.6। Yes, समझ आया? Yes, यहाँ से इधर हम एक्स माने थे ना? Yes, लेकिन क्या गया एक्स क्या वैल्यू? मतलब इधर 3.6 नहीं, इधर 3.6। समझ आया? Yes, अब तो सोच कि यहाँ से इधर कितना? 3.6। यहाँ से इधर कितना जी? 3.6 पर कोई एक पॉइंट होंगे इधर जहाँ पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। तो क्या आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ से 1.6 पर? यस सर। अरे 2 तो इधर है, ये है। यस सर। और यहाँ से कुल आना 3.6, तो यहाँ से 1.6 पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। एक पॉइंट तो मिल गए। यस सर। मिल गए कि नहीं? यस सर। हाँ, मतलब उधर जीरो होने का चांस नहीं है, इधर जीरो होने।
अगर नहीं तो यहाँ भी करके देख ले आप इधर से, जैसे कि मान लिया हम तो भाई पता नहीं था कॉन्फिडेंस से कमान जीरो होगा नहीं होगा, अपने मन सुधर प्लस वन को मान लिए थे। यस सर। हाँ आप यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते थे कि नहीं? यस सर। है कि नहीं? यस सर। अब जब यहाँ पर शुरू में मान लिया जाए हमको नहीं पता होता, हम मानते कि नहीं यहाँ पोटेंस से जीरो आता कि नहीं जरा चेक करते हैं, तो आप यहाँ से क्या मानते एक्स? बोल। यस सर। क्या मानते यहाँ से एक्स? तो लिखते सोच पहले कि आप अगर यहाँ से एक्स मानते कि मान लिया एक पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पोटेंशियल का वैल्यू क्या आने वाला है जीरो, तो आप क्या लिखते कि k इंटू चार माइक्रो बाई एक्स। बोल। k इंटू फोर माइक्रो बाई प्लस में, और लिखते माइनस में k इंटू नाइन माइक्रो बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। तो फिर तो इसको धरी दे के और माइक्रो, के और माइक्रो तो कॉमन हो करके जीरो हो ही जाता, तो फोर एक्स और इक्वल टू कितना आता नाइन बाई टू प्लस एक्स आता, तो नाइन एक्स इज इक्वल टू बोल 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 एट प्लस, तो फाइव एक्स इज इक्वल टू तो एक्स बराबर एट बाई क्या वन पॉइंट सिक्स। देख समझ आया? Yes, sir. मतलब आप उधर भी मतलब आप यह मान के बनाए कि पोटेंशियल का वैल्यू उधर जीरो होगा तो भी आंसर यही बता रहा है। Yes, sir. आप इधर निकाले तो भी आंसर इधर ही बता रहा है। सही कि नहीं? Yes, एक पॉइंट का तो पता चल गया कि कहां पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है। क्या एक जगह और बच रहा है हम लोग का? Yes, बच रहा है कि नहीं? Yes, हाँ, कि मतलब चार माइक्रो कूलम और माइनस नाइन माइक्रो कूलम के बीच में, कहाँ बीच में भी तो कहीं होंगे जीरो। हाँ ये तो साइड का सॉल्व किए हम लोग, कहाँ का सॉल्व किए? साइड का। क्या कहीं बीच में जीरो होने का चांस बनेगा? देखते हैं यहाँ से वैल्यू कितना मान लो इधर एक्स, मान लो कि यहाँ पॉइंट है यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू क्या आने वाला है जीरो, तो क्या इधर से टू माइनस एक्स टू माइनस, तो अब अगर यहाँ पोटेंशियल जीरो करना है तो इसका लिखाएगा के इंटू फोर माइक्रो बाई एक्स, और प्लस इसका लिखाएगा कितना माइनस के इंटू नाइन माइक्रो बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू। क्या के और माइक्रो कॉमन होकर के खत्म हो जाएगा? यस सर। तब हो जाएगा फोर बाई एक्स इज इक्वल टू नाइन बाई टू माइनस एक्स। सही है? यस सर। तब हो जाएगा 9x is equal to 8 minus 4x x बराबर 8y 30। सही तो है? Yes sir। सही कि नहीं? Yes sir। हाँ मतलब एक पॉइंट यहाँ से इधर भी मिलेंगे जहाँ पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा जीरो। पहला बात तो आप समझ लें कि दो चार्ज पॉजिटिव रहेंगे या दो चार्ज नेगेटिव तो कहीं पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं होगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल जीरो होगा। दो पॉइंट पर होंगे। कितने पॉइंट पर होंगे? दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा जीरो। एक तो दो चार्ज के कहीं मिडिल में कहीं होंगे। हाँ कहीं होंगे, हम नहीं कह रहे मिडिल मतलब बीचों बीच होंगे, मतलब बीच में कहीं होंगे। और एक किनारे में, उस किनारे में जिधर चार्ज का वैल्यू छोटा हो, मतलब साइन को देखना नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि चार इधर माइनस नौ तो माइनस नौ छोटा है, नहीं मैग्नीट्यूड देखना है। क्या देखना है उसका? हाँ अमाउंट देखें आप। इधर फोर इधर नाइन है, कौन छोटा होगा? फोर। किधर जीरो होंगे? फोर की तरफ। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जब भी, और ये बात तो एकदम पक्का कि जब दो चार्ज एक प्लस होंगे और एक माइनस तभी पोटेंशियल जीरो होंगे, अगर सेम नहीं चलें तो कहीं जीरो नहीं होंगे, और अगर जीरो होंगे तो दो पॉइंट पर होंगे। यस सर। एक कहीं बीच में जीरो होंगे और एक किनारे में। अब तो ये बात पता चल भी गया है, पर सवाल आए तो मतलब हम लोग निकाल सकते हैं। हम इधर ऐसे तो कहीं सॉल्व कर, इस किनारे सॉल्व कर या इस किनारे, आंसर वही आएंगे। आया ना? हाँ तो फिर पता कर लेना कि दो पॉइंट पर जीरो होते हैं, एक मतलब साइड में उस साइड जिधर चार्ज का अमाउंट छोटा होता है, और एक कहीं बीच में। सही कि नहीं? ये हो गया, लिख लीजिए खत्म। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस सम विभव सतह, नाम से पता चल रहा है कि वैसा सतह जहां पर विभव का मान समान हो, जहां पर विभव का मान सम विभव सतह इक्विपोटेंशियल सरफेस। सोच कि मान लें एक चार्ज है यहां पर क्यू,
एक चार्ज है यहाँ पर, इसको सेंटर मान के तू एक स्फीयर कंसीडर करो, इसको सेंटर मान के तुम एक स्फीयर कंसीडर करो जिसका रेडियस मान लो कि आर वन है, कितना है R1. तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल भी वन होगा क्या हुआ के क्यू वाई आर वन होगा, yes, सही है, yes, अच्छा इस सर्कल है क्या स्फीयर का सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है कि सर्कल है, हे भगवान ये स्फेरिकल सरफेस है कि सर्कल है, पता नहीं चल रहा सर्कल स्फेरिकल, मतलब ये किसी स्फेयर का सरफेस है कि एक वृत्त है, स्फेरिकल का सरफेस, हाँ एक स्फेयर का मान लें फुटबॉल है, मां कंसीडर करो मान लें एक इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज, तो फुटबॉल का जो सरफेस है क्या सेंटर वाले चार्ज से मतलब सेम डिस्टेंस पर है, तो हर जो पोटेंशियल का वैल्यू भी सेम आएगा, और कितना आएगा के क्यू वाई, मान के एक स्फीयर का सरफेस और कंसीडर हमने किया जो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है आर टू, कितना पर है जी आर टू, तो यहाँ पोटेंशियल मान लें कितना है, हाँ इस पूरे सरफेस पर कहीं चल जाओ तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, तो वी टू का वैल्यू बोल के क्यू वाई आर टू, के क्यू वाई एक और कंसीडर कर लेते हैं, समझ आया, हाँ अच्छा बन गया है लगता है ज्यादा, चल समझने तो आ रहा है ना, yes, sir. तो मान ले किसका रेडियस R3 है, तो इसके सर से कितना है तो क्या भी थ्री बराबर के क्यू वाई आर थ्री, बोल yes, sir. क्या इस सरफेस पर कहीं चल जाओ पोटेंशियल कहीं नहीं चेंज होंगे, yes, sir. क्या यहाँ कहीं चल जाओ पोटेंशियल कहीं नहीं चेंज होंगे, yes, sir. हाँ ठीक उसी तरीका से अगर इस सरफेस भी कहीं चले जाओ पोटेंशियल कहीं चेंज, yes, क्या ये सरफेस की पोटेंशियल कहलाएंगे, yes, sir. हाँ सरफेस तीनों के तीनों क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, तो इसका डिफिनेशन अगर मतलब हम बोलें तो ऐसा सुन कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कि ए टू डायमेंशनल हाइपोथेटिकल सरफेस, ए टू डायमेंशनल हाइपोथेटिकल सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट, मैंने एक वैसा काल्पनिक द्विविमीय सतह या द्विविमीय काल्पनिक सतह, ये तो टू डायमेंशनल फिगर है, है कि नहीं, वास्तव में है एक स्फेरिकल सरफेस, अरे मेरा इमेजिनेशन है, मतलब हम सोच रहे हैं, ऐसा थोड़े कि मैंने स्फीयर पर स्फीयर रखा हुआ अंदर में चार्ज रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि इमेजिनेशन है कि एक प्लस क्यू चार्ज था और मान लो कि एक स्फीयर के सेंटर पर रखे हुए हैं, तो क्या स्फीयर का पूरा सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू समान होगा, yes, इसका मतलब वो जो स्फीयर का सरफेस है इक्विपोटेंशियल कहे जाएंगे, क्या कहे जाएंगे, हाँ ये आपका डिफिनेशन कि एनी टू डायमेंशनल हाइपोथेटिकल सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट कॉल्ड इक्विपोटेंशियल, एक द्विविमीय काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, उसे हम लोग समविभव सतह कहते हैं, ए टू डायमेंशनल हाइपोथेटिकल सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक द्विविमीय काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है समविभव सतह कहलाते हैं। अब कुछ बात हम सोचते हैं जो पहले पढ़ाया बात है कि प्लस चार्ज से लाइंस कहाँ निकलते हैं, बाहर, कहाँ निकलते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं लाइंस, यस सर, तो ऐसा नहीं, अच्छा आप महसूस कर रहे हैं इसमें ध्यान से सोचो तो पहले कि आर वन बड़ा है आर टू की आर थ्री, आर थ्री बड़ा है भाई आर थ्री से छोटा आर टू से छोटा, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि भी वन से छोटा भी टू है और भी टू से छोटा, जिसका आर बड़ा होगा उसका भी कम होगा, जिसका आर कम होगा उसका भी ज्यादा होगा, सही है, yes, sir. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का, yes, sir. पीछे कुछ प्रॉपर्टी तो लिखा है हमें, हाँ तो ये भी नया प्रॉपर्टी हो गया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, विद्युतीय बल रेखाएं हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती हैं,
ठीक yes, एक पॉइंट ये हुआ, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस का जो है क्या आपस में परपेंडिकुलर है? Yes, हाँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। दो पॉइंट बने, पहला पॉइंट थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और दूसरा पॉइंट बना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही कि नहीं? परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक याद है पीछे, मतलब ये बात और ध्यान देना कि कभी कभी सवाल ये भी रहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, तो उसमें ध्यान देना कि परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। पीछे कहीं हमें ये बात बताया था, चर्चा चला था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। सही कि नहीं? yes, अंदर में भले इंटेंसिटी का मान क्या होता हो, जीरो, कंडक्टर के अंदर में सिटी का वैल्यू जीरो, हाँ, लेकिन अगर पोटेंशियल के बारे में पूछे, मतलब ये मतलब लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पूछे कि लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस पर कैसे होते हैं, तो हम लोग वहाँ भी बोलते हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा हमें जहाँ तक आता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में लिखाया गया होगा। yes, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। है कि नहीं? yes, और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं ये बात कि परपेंडिकुलर टू पोटेंशियल सरफेस एंड ऑलवेज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, हाँ, अब बाकी तो डिफिशन आपको बोल ही दिए। सही कि नहीं? yes, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक बात और सवाल खड़ा होता है, आप याद है पीछे एक बात हम पढ़े थे कि जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लेके जाओ तो हम जो बर्डन करते हैं चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस, हाँ नहीं? yes, sir. हम जो बर्डन करते हैं बर्डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस। अब तो सोच के अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा जगह ले जाया जाए, यदि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही किसी एक पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह ले जाया जाए, तो क्या जहां से ले गए वहां भी पोटेंशियल वही है और जहां ले गए वहां भी पोटेंशियल वही है? yes, मैंने जो पोटेंशियल इनिशियल है वही पोटेंशियल फाइनल है। तो सोचे ना भाई कि हम एक चार्ज को यहां से यहां तक लाए, तो क्या यहाँ ही पोटेंशियल वही है जो पोटेंशियल यहाँ है? yes, तो जब हम करेंगे चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल तो जीरो आएगा ना। yes, इसका मतलब है कि पोटेंशियल सरफेस पर अगर किसी चार्ज को आप डिस्प्लेस कराते हैं बर्डन इज इक्वल टू जीरो। यदि आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को डिस्प्लेस कराते हैं एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर ले जाते हैं तो बर्डन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बर्डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस। और इक्विपोटेंशियल पर क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा समान ही होंगे, जो इनिशियल वही फाइनल, तो दोनों घटा लो भाई जीरो आएंगे। yes, सही कि नहीं? yes, ये भी एक सवाल है। थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो ये भी बात को आप कंसीडर कर सकते हैं कि मान लो कि माइनस क्यू ले लें प्लस क्यू की जगह क्या ले लें, माइनस क्यू। ये इसी में समझ कि प्लस क्यू हम क्या कर देते हैं, अगर माइनस क्यू, चलो ठीक भाई कर देते माइनस क्यू, तो क्या लाइन्स अंदर की ओर हो जाते सब? तो क्या ये लाइन्स अंदर की ओर हो जाते सब? चलो ठीक। दूसरा सवाल, क्या ये पोटेंशियल सब माइनस में होता? yes, sir. तो अब कौन बड़ा होते? भीतरी बड़ा होते। कौन बड़ा होते हैं अब? हाँ, सुनेंगे नहीं? yes, sir. अरे माइनस साइन लगा देगा तो सब कहानी बदल जाएगा ना अब। yes, sir. हाँ, अभी मान लिया जाए कि तीन बड़ा है दो से, माइनस लगा दे दोनों तरफ, क्या चेंज हो जाएंगे? yes, sir. वही तो बता रहे हैं, जब प्लस थे तो ये बड़ा था, ये छोटा, ये छोटा, जब माइनस हो तब भी बड़ा हो जाएंगे। yes, ये छोटा और इससे छोटा ही। yes, फिर भी तो वही बात हुआ कि लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस बार भी थ्री बड़ा है और भी वन छोटा है, है कि नहीं? yes, हाँ, ऐसा नहीं कि माइनस में अलग और प्लस में अलग, ये हमें साथ सेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, हाँ, मतलब विद्युतीय बल रेखाएं हमेशा सम विभव सतह के लंबवत होती हैं और वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक, रहने दे, अगले क्लास में हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। ठीक है? यस सर।